चार राधे राधे हर महादेव, मैं आचार्य देव। हम और हमारी टीम पूरी समय यात्रा पर निकली हुई है। अभी द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है नागेश्वर महादेव। हम लोग नागेश्वर महादेव के दर पर आए हुए। बड़ी अद्भुत कथा है नागेश्वर महादेव की। और जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है उसमें से सोमनाथ और नागेश्वर, ये गुजरात में स्थित है, द्वारिका से लगभग 17 किलोमीटर दूर। द्वारिका आप हमारे पास देख रहे हैं भगवान शिव की मूर्ति, 135 फीट की मूर्ति है, 30 फीट व्यास से बनी हुई है। यहीं के बगल में भगवान नागेश्वर का मंदिर है। नाग के ईश्वर हैं। क्या है? नागेश्वर, नाग के ईश्वर, सर्प के ईश्वर हैं। अगर आपके कुंडली में विष दोष बना हुआ है, शनि और चंद्रमा या राहु और चंद्रमा कहीं पीड़ित हैं, तब आप यहाँ पे आए, दर्शन करें, निश्चित रूप से आपको आपके कष्टों से, पापों से, तापों से, सांपों से मुक्ति मिलेगी। साथ में इधर देखिए ना, इधर देखिए तो ये भगवान शिव का जो है ना विग्रह यहीं पे स्थापित है। इसकी कथा ये कहती है मित्र कि एक वैश्य थे, सुप्री नामक जो वैश्य थे, उनको एक राक्षस था जिसका नाम था दारुक। दारुक बहुत परेशान करता था। उस परेशानी से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने बाद में उन्हें जो है एक अस्त्र दिया जिसका नाम था पशुपतास्त्र। तो पशुपतास्त्र अस्त्र के फलस्वरूप दारुक अपनी रक्षा कर पाए और दारुक से सुप्री अपनी रक्षा कर पाए। ये भगवान शिव जो यहाँ पे विराजमान हैं, ये रोग से, ताप से, पीड़ा से, दुख से हरने वाले, दुख को हरने वाले हैं। बड़ा अद्भुत अलौकिक दृश्य है। यहीं से एक छोटी यहीं पर से थोड़ी दूर एक जगह है जिसका नाम है गोपी तालाब। गोपी तालाब भी अद्भुत है। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी ना कि मनुष्य बलि नहीं होता है समय होत बलवान, हिरण लूटी गोपी का वही अर्जुन दीवान। ऐसा नहीं है, कुछ और खास बातें हैं, वो आपको चल के गोपी तालाब पे समझाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।